तो दोस्तों हाल ही में साउंडकोर ने अपना एक नया बजट फ्रेंडली नेकबैंड इंडिया में लॉन्च कर चुका है, जो कि ये साउंडकोर R500। और इसका जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं आपको ये ऊपर देखिए आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करना। ये अगर आप पहले सेल पर खरीदोगे ये आपको 1200 में मिल गया होगा, लेकिन अभी इसका जो रेगुलर प्राइस 1400 हो चुका है। और यहाँ पर इसका कंपेरिजन हम करने वाले हैं इस डीजो वायरलेस के साथ, ये भी आपको 1500 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो भी प्रोडक्ट्स रिव्यू देखते हैं वो मैं खुद से परचेस करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर IPX5 का रेटिंग यहाँ पर साउंड कोर पर और IPX4 का रेटिंग इस डीजो में आपको देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल वाटर स्प्लैश हो या फिर स्वेट वगैरह अगर आपको ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। टोटल प्लेबैक टाइम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम यहाँ पे साउंड कोर में आपको देखने को मिलता है, तो इस डीजो वायरलेस में आपको 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्लेबैक टाइम है ये वेरी करता है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में सुनते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि साउंड कोर में आपको 15 से लेकर 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, तो इस डीजो वायरलेस में आपको 12 से लेकर 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके जो ड्राइवर साइज़ की, तो यहाँ पर 10mm का ड्राइवर साइज़ आपको इस साउंड कोर में देखने को मिलता है, तो डीजो वायरलेस में आपको 11.2mm का ड्राइवर साइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये साउंड कैसे करते हैं उसका छोटा सा वीडियो डेमो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट में ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में ये साउंड कैसे करते हैं। साउंड कोर में आपको बेस मोड, एक नॉर्मल मोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डीजो वायरलेस पे रियलमी लिंक आपके थ्रू यहाँ पे 3 मोड मिल जाएगा, ब्राइट, डायनामिक और बेस मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके जो कॉलिंग के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको AI पावर क्रिस्टल क्लियर कॉल का फीचर यहाँ पे साउंड कोर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे डीजो वायरलेस पे आपको एनवायरमेंट नॉइज कैंसलेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो कॉलिंग के रिलेटेड अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो उसका छोटा सा टेस्ट यहाँ पे करेंगे, ताकि ऑनलाइन क्लासेस और फिर मीटिंग में इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं। बात करते हैं गेमिंग के रिलेटेड, तो यहाँ पे 88 मिलीसेकंड का जो सुपर लो लेटेंसी मोड आपको इस डीजो वायरलेस में मिल जाएगा। साउंड कोर में आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड देखने को नहीं मिलेगा। गेमिंग टेस्ट है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया कर पाएंगे कि अगर आपका गेमिंग प्रायोरिटी है तो यहाँ पे इन दोनों में से आपका कौन सा बेटर रहेगा आप जान पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके जो बिल्ड और डिज़ाइन की, तो यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में ये है साउंड कोर R500 और राइट साइड में मेरे पास है ये डीजो वायरलेस। तो यहाँ पे इसके जो बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो ब्रांडिंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पे साउंड कोर की और यहाँ पे डीजो का आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे इन दोनों का आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा, और पर्टिकुलरली इसी पॉइंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी प्रेशर देखने को आपको नहीं मिलेगा साउंड कोर में, लेकिन डीजो में थोड़ा सा ये प्रेशराइज करके यहाँ पे है, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे इसी पॉइंट से ये टूट जाए। साउंड कोर का जो ये पर्टिकुलर नेक बैंड वाला एरिया ये काफ़ी स्किन फ्रेंडली है, लेकिन डीजो वाला इतना मुझे स्किन फ्रेंडली नहीं लगा, थोड़ा सा आपको चिपचिपा सा यहाँ पे लगेगा। और बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड कोर का आप आराम से इस तरह से मोड कर सकते हैं, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से इसको पॉकेट में ले जा सकते हैं। डीजो वायरलेस को भी आराम से आप इसको मतलब इस तरह से तो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों जगह पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, तो ये भी आगे जाके टूट सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसके जो कंट्रोलर्स वगैरह आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साउंड कोर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेपरेट प्लस माइनस और पावर ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर और यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए यहाँ पर कुछ होल यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको टाइप सी के जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर आपको एक कवर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर टाइप सी के पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और सेम टाइम में डीजे वायरलेस पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही लाइन में सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो ये प्लस माइनस को प्रेस करने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन बीच वाले जो बटन हम प्रेस करते हैं तो गलती से कभी कभी ये प्लस माइनस भी प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट पे आपको कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं वायर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजो वायरलेस पे आपको टेंगल फ्री वाला वायर देखने को मिलता है। साउंड कोर पे आपको टेंगल फ्री वाला वायर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये थिकनेस से थोड़ा सा आपको मोटा देखने को मिलेगा। तो वायर की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि प्राइसिंग के हिसाब से दोनों का अच्छा है, लेकिन डीजो वायरलेस का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बेटर लगा है।
तो अभी हम बात करते हैं इसके जो ईयरबड्स की डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड कोर का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम दिखता है, आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है इसके जो साउंड कोर की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके जो मैग्नेटिक वाला एरिया है आपको कुछ इस तरह से एरिया पर देखने को मिलता है, और डीजे वायरलेस पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और इसका डिज़ाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस डीजे वायरलेस में आपको मैग्नेटिक कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको अलग करता हूँ यहाँ पे ये एलईडी लाइट यहाँ पे ब्लिंक होते हैं, और इसको फिर से अगर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलईडी लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना बंद कर देता है। साउंड कोर में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा डेमो भी दिखा देता हूँ कि जैसे इसके जो मैग्नेटिक वाला एरिया को इस तरह से मैं अलग करता हूँ तो यहाँ पे एलईडी लाइट नहीं ब्लिंक होते, आपको मैन्युअली इस बटन को इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा तभी जाके ये ऑन होगा। इस ईयरबड्स की डिज़ाइन दिखाऊं तो यहाँ पे साउंड कोर का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको ये टिल्टेड टाइप का रहता है, और सिमिलरली डीजे वायरलेस में भी आपको ये टिल्टेड रहते हैं और ये भी कंफर्टेबली आपके कानों में बैठते हैं। कनेक्टिविटी में डीजे वायरलेस में आपको जैसे इसको अलग कर देते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत ही ये कनेक्ट हो जाता है कुछ ही पलों में। और यहाँ पे अगर आप अंदर जाके यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कोई भी हाई क्वालिटी कोडेक का यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। साउंड कोर में आपको इस तरह से मैनुअल इस बटन को ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है जब भी इसको कनेक्ट होने पे। और यहाँ पे अगर आप इसका अंदर जाएंगे और आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्चुअली हाई क्वालिटी कोडेक AAC तक का सपोर्ट करता है। मेरे केस में साउंड कोर में मुझे कनेक्टिविटी में थोड़ा सा दिक्कत आया था, हो सकता है कि आपके केस में ये प्रॉब्लम ना हो जिसके वजह से कभी कभी इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत टाइम भी लग जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे साउंड कोर का बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है प्राइसिंग हिसाब से, और डीजे वायरलेस पे आपको सीमलेस कनेक्शन देखने को मिल जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसके जो म्यूजिक कॉल क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कैसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे IGTV में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये आवाज़ आपको इसी साउंड कोर R500 से मिल रहा है, और यहाँ पे आपको AI पावर क्रिस्टल क्लियर कॉल का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। मैं जो फैन है मैं मीडियम स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इस नेकबैंड पे यूज करके किसी को कॉल करते हैं तो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी डीजे वायरलेस से मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन का यूज किया गया है। मेरा जो फैन है मैं मीडियम स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इस नेकबैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं तो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है।
सो फाइनली बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो बिल्ड और कंफर्ट की। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आपको साउंड कोर का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्पेशली इसके जो नेक बैंड की क्वालिटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो नेक बैंड वाला एरिया है ये आपको स्किन फ्रेंडली देखने को मिलेगा, ये आसानी से इस तरह से फिसलते हैं। लेकिन डीजो वायरलेस पे ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आप देखेंगे ये आसानी से इसे नहीं फिसलते, ये काफ़ी आपको चिपचिपा सा लगेगा और इतना स्किन फ्रेंडली नहीं है। और यहाँ पे साउंड कोर काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप आराम से इसको पॉकेट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन कंफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको इक्वली अच्छा कंफर्ट देखने को मिलता है, तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे इसके जो म्यूजिक क्वालिटी की। तो यहाँ पे साउंड कोर का जो म्यूजिक है ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बेस और इसका जो लाउडनेस थोड़ा सा कम देखने को मिला। और यहाँ पे स्पेशली अगर आप 100% इसको सुनेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्शन यहाँ पे महसूस हुआ है। सेम टाइम में डीजो वायरलेस पे देखेंगे तो यहाँ पे बेस तो इतना एक्सट्रीमली हाई नहीं है, लेकिन बेस इस साउंड कोर से आपको बेटर देखने को मिलेगा और वॉल्यूम यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। और यहाँ पे 100% में कहीं पे भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि साउंड क्वालिटी अगर आपका प्रायोरिटी है आपको इस डीजो वायरलेस के लिए जाना चाहिए। बात करते हैं कॉलिंग के रिलेटेड। दोनों में कॉलिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप वो डेमो देखे होंगे तो यहाँ पे डीजो वायरलेस का मुझे थोड़ा सा क्लियर लगा। तो यहाँ पे इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कॉलिंग के रिलेटेड। और गेमिंग के लिए भी यहाँ पे डीजो वायरलेस पे आपको जो सुपर लो लेटेंसी मोड है जिसके वजह से आप देखे होंगे तो यहाँ पे लैग इतना देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पे साउंड कोर में आपको कोई भी लो लेटेंसी मोड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप वो डेमो देखे होंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको वो डिले देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको डीजो वायरलेस पे गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपको डीजो वायरलेस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं म्यूजिक की या फिर कॉल की या फिर गेमिंग के लिए यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर इन दोनों के रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट हो या फिर कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम एक चैनल है जहाँ पे हम यूज़फुल प्रोडक्ट के लिंक डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।